हेलो टेंथ क्लास ये हमारा सिक्स क्वेश्चन है क्वेश्चन रीड करता हूँ मैं अकनकेव मिरर फॉर्म्स अ रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ थर्टी सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर व्हेन इट इज़ कैप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ फिफ्टी सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर देन फाइंड द मैग्निफिकेशन ऑफ द मिरर देखिए हमें एक कनकेव मिरर गिवन है मैं कंकेव मिरर आपके लिए ड्रॉ कर देता हूँ ओके ये हमारे पास एक कनकेव मिरर है ओके इस कंकेव मिरर में हमको दो चीज़ें गिवन हैं एक तो इस मिरर के ऊपर जो इमेज बनेगी वो इमेज मिरर से थर्टी सेंटीमीटर की दूरी पे बन रही है ठीक है जबकि जो ऑब्जेक्ट है वो मिरर से फिफ्टी सेंटीमीटर की दूरी पे रखा गया था क्लियर अब क्योंकि जो कनकेव मिरर है उस पर जो इमेज बनी है जो थर्टी सेंटीमीटर दूर है वो इमेज है रियल इमेज रियल इमेज कब फॉर्म होती है जब रियल में एक्चुअल में ही जो दो रिफ्लेक्टेड रेज़ होती हैं जब वो आपस में मीट करती हैं तब रियल इमेज फॉर्म होती है क्लियर ठीक है तो दोनों ही चीज़ें मतलब ऑब्जेक्ट भी और उससे बनने वाली जो इमेज है वो इमेज भी दोनों ही मिरर के लेफ्ट साइड पे हैं ठीक है लेफ्ट साइड पे हैं इसीलिए दोनों के ऊपर साइन कन्वेंशन हमने पढ़े थे तो दोनों के ऊपर कौन सा साइन आ जाएगा नेगेटिव साइन आ जाएगा क्लियर ठीक है तो सबसे पहले हम अपना गिवन डाटा लिख लेते हैं सबसे पहले हमको गिवन डाटा के अंदर सबसे पहली चीज़ जो हम लिखेंगे वो लिखेंगे डिस्टेंस of ऑब्जेक्ट from द मिरर ठीक है ऑब्जेक्ट से मिरर का जो डिस्टेंस है जिसको कि हम लोग u से स्मॉल u से डिनोट करते हैं वो है हमारा फिफ्टी सेंटीमीटर क्योंकि मैंने बताया कि वो मिरर से लेफ्ट साइड पे है सो so ये हो जाएगा माइनस फिफ्टी सेंटीमीटर क्लियर सेम ऐसे ही डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर ओके तो उसको हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल वी से और वो हमारा है थर्टी सेंटीमीटर अब इमेज भी मिरर से लेफ्ट साइड पर ही फॉर्म हो रही है तो उसके आगे भी आ जाएगा एक नेगेटिव साइन क्लियर अब हमें मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करनी है ठीक है मैग्नीफिकेशन फाइंड आउट करने के लिए मैग्नीफिकेशन को मैं स्मॉल एम से डिनोट कर लेता हूँ और इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला बनता है माइनस वी बाय में यू ओके क्लियर तो अब इसके अंदर अगर हम वैल्यूज़ हमारी पुट करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा माइनस माइनस थर्टी बाय मे फिफ्टी सॉरी माइनस फिफ्टी ओके ठीक है ऊपर अगर देखा जाए तो दो माइनस के साइन है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो हमारा थर्टी बाई में माइनस फिफ्टी ये हमारे पास अब आ जाएगा ठीक है विच इज़ इक्वल टू जब हम इसको क्रॉस कैंसिलेट करेंगे ठीक है तो ये हमारा आ जाएगा माइनस ज़ीरो पॉइंट सिक्स ठीक है क्लियर तो ये इसका आंसर है ओके